प्रयागराज का कुंभ क्या है कुंभ की खासियत, कुंभ या अर्ध कुंभ, देखिए मेरे साथ ये विशेष प्रोग्राम। भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। आज हम बात करते हैं कुंभ की। 2019 के शुरुआत अर्ध कुंभ से होने वाली है। 14 जनवरी से अर्ध कुंभ का शुभारंभ हो जाएगा और इसका शुरू होने के साथ साथ देश विदेश से श्रद्धालु प्रयाग जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं किन किन जगहों पर इसका आयोजन होता है और कुंभ और अर्ध कुंभ कब लगता है और क्या है इसके पीछे की मान्यता। शास्त्रों के अनुसार चार विशेष स्थान हैं जिन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार और प्रयाग में गंगा नदी के तट पर। सबसे बड़ा मेला कुंभ 12 वर्षों के अंतराल में लगता है और 6 वर्षों के अंतराल में अर्ध कुंभ के नाम से मेले का आयोजन होता है। वर्ष 2019 में आयोजित होने वाले प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है। इसके बाद साल 2022 में हरिद्वार में कुंभ मेला और साल 2025 में फिर से इलाहाबाद में कुंभ का आयोजन होगा और साल 2027 में नासिक में कुंभ मेला लगेगा। कुंभ मेले का आयोजन वैसे तो हजारों साल पहले से हो रहा है, लेकिन मेले का प्रथम लिखित प्रमाण महान बौद्ध तीर्थयात्री वेनसांग के लेख से मिलता है, जिसमें 6वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासन में होने वाले कुंभ का प्रसंग वर्ष का वर्णन किया गया है। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग इन जगहों पर हर 3 साल के अंतराल में कुंभ का आयोजन होता है, इसलिए किसी एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद ही कुंभ का आयोजन होता है। नीलकंठ जय महाकाल जय, ओ घड़दानी शिव भोले, तुमने तांडव जब है किया तब धरा गगन दोनों डोले, तेरी लीला अपार नहीं पाया कोई पार। तो ये कुंभ की बात अब करते हैं, क्या है अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ क्या है? अर्ध का अर्थ है आधा। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 साल के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। पौराणिक ग्रंथों में भी कुंभ एवं अर्ध कुंभ के आयोजन को लेकर ज्योतिषीय विश्लेषण उपलब्ध हैं। कुंभ पर्व हर 3 साल के अंतराल पर हरिद्वार से शुरू होता है। हरिद्वार के बाद प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व में प्रयाग और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व के बीच में 3 सालों का अंतर होता है। सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में कुंभ लगता है। इसके अलावा सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व का आयोजन गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। इसे महाकुंभ भी कहते हैं क्योंकि यह योग 12 साल में बनता है। तो आपको ये पता लग ही गया होगा कि कुंभ 4 विशेष स्थानों पर लगता है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। अब आपको बता दें इन 4 स्थानों के पीछे कुंभ लगने का क्या अर्थ है। कुंभ पर्व और ग्रहों का संयोग। हरिद्वार, हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर, मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। प्रयाग, प्रयाग कुंभ का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह 12 वर्षों के बाद गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयाग में किया जाता है। अन्य मान्यता अनुसार
मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयाग में आयोजित किया जाता है। एक अन्य गणना के अनुसार मकर राशि में सूर्य का एवं वृष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर कुंभ पर्व प्रयाग में आयोजित होता है। नासिक 12 वर्षों में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक एवं त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होता है। सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुकुंभ पर्व गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति सूर्य एवं चंद्र के कर्क राशि में प्रवेश होने पर भी कुंभ पर्व गोदावरी तट पर आयोजित होता है। उज्जैन सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में होता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के साथ होने पर बृहस्पति के तुला राशि में प्रवेश होने पर मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। आकाश लिंगमय आवहिंसरा ढम 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 मणि डमरुक ध्वनि सलिपि कणतनि बदिनिचरा श्री वायु लिंगमय। कलश को कुंभ कहा जाता है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। इस पर्व का संबंध समुद्र मंथन के दौरान अंत में निकले अमृत से है। दरअसल कुंभ पर्व को मनाने के पीछे की कुछ मान्यताएं हैं। चलिए आपको दिखाते हैं क्या है वो मान्यता। कुंभ पर्व क्यों मनाया जाता है? देवता असुर जब अमृत कलश को एक दूसरे से छीन रहे थे तब उसकी कुछ बूंदे धरती की तीन नदियों में गिरी थी। जहां जब ये बूंदे गिरी थी उस स्थान पर तब कुंभ का आयोजन होता है। उन तीन नदियों के नाम है गंगा, गोदावरी और शिप्रा। अमृत पर अधिकार को लेकर देवता और दानवों के बीच लगातार 12 दिन तक युद्ध हुआ था जो मनुष्यों के 12 वर्ष के समान है। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और 8 कुंभ देवलोक में। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार कुंभ पर्व का सीधा संबंध तारों से है। अमृत कलश को स्वर्गलोक तक ले जाने में जयंत को 12 दिन लगे। देवों का एक दिन मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर है, इसीलिए तारों के क्रम के अनुसार हर 12वें वर्ष कुंभ पर्व विभिन्न तीर्थ स्थानों पर आयोजित किया जाता है। युद्ध के दौरान सूर्य, चंद्र और शनि आदि देवताओं ने कलश की रक्षा की थी, अतः उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादि ग्रह जब आते हैं तब कुंभ का योग होता है और चारों पवित्र स्थलों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर क्रमानुसार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अर्थात अमृत की बूंदे छलकने के समय जिन राशियों में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की स्थिति के विशिष्ट योग के अवसर रहते हैं वहाँ कुंभ पर्व का इन राशियों में ग्रहों के संयोग पर आयोजन होता है। इस अमृत कलश की रक्षा में सूर्य, गुरु और चंद्रमा के विशेष प्रयत्न रहे थे, इसी कारण इन्हीं ग्रहों की उन विशिष्ट स्थितियों में कुंभ पर्व मनाने की परंपरा है। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं, ॐ नमः शिवाय। बता दें कि अमृत की ये बूंदें 4 जगह पर गिरी थी। गंगा नदी प्रयाग में जो है और गोदावरी नदी नासिक, शिप्रा नदी उज्जैन। सभी नदियों का संबंध गंगा से है। गोदावरी को गोमती गंगा के नाम से पुकारते हैं। शिप्रा नदी भी उत्तरी गंगा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर गंगा गंगेश्वर की आराधना की जाती है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं, ओम नमः शिवाय।